मरियम सफदर ने पिछले कुछ अरसे से जितने कन टूटे हैं लाहौर पिंडी वगैरह के, और अपना जो बदमाश हैं और जो ये ड्रग्स में डील करने वाले हैं और ताश के जो पत्ते खेलते हैं और जो क्लब्स जो चलवाते हैं, ये जो जुए शुए के अड्डे हैं, उन सबको अपनी मुट्ठी में लेना शुरू किया है। उनको फंड दिए जा रहे हैं, वो गुंडों और मवालियों का बैचेस जो हैं उनको फंड कर रहे हैं कि अभी थोड़े दिनों में, दो हफ्ते में फैसला आ जाना, नवाज शरीफ को इंशाल्लाह अडियाला जेल जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो वो मुल्क में तोड़ फोड़, घेराव जलाओ और आग लगाओ, इन चीज़ों की सियासत जो है वो आपको एक एनार्की टाइप सिचुएशन नज़र आएगी। उसमें आप पार्लियामेंट गिरने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक है कि ये तीन है या कितनी है, ये सब जाएंगे। और वो सही कहे चौधरी साहब ने, उन हालात में इंशाल्लाह ये सब जाएंगे और जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट अगर इनको ऑनर कर देता है इस बात पे, जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू ये फरमा रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के बारे में, फिर आपको और मुझे कैसे रोकेगा, कल कैसे रोकेगा चोरी करने से, गाली निकालने से, को मुंह जोरी करने से, किस किस उसे रोकेगा? उनको रोकना पड़ेगा। दे हैव टू मेक अ लेसन आउट ऑफ दीज पीपल।